अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से शाहरुख खान पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, अब बारी देश की काबिल जनता की है, जो काबिल है उसका हक कोई बेईमान रईस ना छीन पाए। इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय आमिर खान और शाहरुख खान पर निशाना साध चुके हैं। आमिर खान को उन्होंने असहिष्णुता वाले बयान पर निशाने पर लिया था, साथ ही साथ शाहरुख खान पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने असहिष्णु होने पर काफी लंबा विवाद छेड़ा था। अब शाहरुख खान की नई फिल्म रईस आ रही है। रईस और ऋतिक रोशन की काबिल 25 जनवरी को एक साथ रिलीज हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए शाहरुख खान को बेईमान तक कह डाला है। वहीं दूसरी ओर ऋतिक रोशन को देशभक्त कहते हुए फिल्म काबिल की तरफदारी की है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कैलाश विजयवर्गीय के इस फेसबुक पोस्ट का दर्शकों पर क्या असर होता है। एंटरटेनमेंट फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज ब्यूरो।